ऑल आर यू फाइन? ठीक हो आप लोग बेटा? ओके अभी बहुत सारे स्टूडेंट आए नहीं है, ओनली 3 स्टूडेंट्स आर हियर। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट नहीं करते हैं। आप लोगों ने नोट्स कंप्लीट कर लिए बेटा? संजीव आपने नोट्स कर लिए? दिया ने तो सेंड किए थे। संजीव आपने कर लिए बेटा नोट्स कंप्लीट? अच्छा क्यों नहीं हुआ बेटा पूरे? क्यों नहीं हुए? तान्या जिया आपने नोट्स नहीं करे हैं अभी? अपने आप को सारे के सारे बच्चे ना जल्दी से पहले अनम्यूट करो और जो है कैमरा भी ऑन करो जल्दी से। शाबाश, हरी अप कैमरा ऑन करो। ये तो जी आप भी करो। जी आप स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। संजीव जिया कामना अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। अभी 1 1 मिनट है अभी। बाकी मैंने कहा अपना अपना कैमरा ऑन करो। हाँ जी आपने नोट्स कंप्लीट करें सारे? कौन पूछ रहा है बेटा? अभी क्या पहले था? कौन आवाज करनी आ रही है बेटा आपकी? आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है फिर बात कर रहे हो? हाँ आप बोलो। अनम्यूट करके बात कर रहे हो ना तो नहीं पता चलेगा। हाँ जी सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं पहले तो अपने नोट्स कंप्लीट करो। ठीक है बेटा, और आपकी क्लास को बहुत क्लियर है कि हमारी जो क्लास लगती है वो लगती है 12:30 बजे से, और डेली जो है वो वीक में सिर्फ 3 डेज लगती है। आपको पता है कि मंडे टू वेडनेसडे ही हमारी क्लास लगती है और 2 डेज जो है हम नोट सेंड करते हैं, है ना? तो इसी हिसाब से सिलेबस बहुत जल्दी तो फास्ट रन नहीं कर रहा, आपके पास सफिशेंट टाइम होता है कि आप नोट्स फेयर कर सको। और अगर आप लोगों ने एक बार नोट्स खो दिए, नहीं कंप्लीट किए, तो बाद में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अपने अपने नोट्स जो हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करके रखिए। ओके ठीक है, और आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है बिसाइड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि बच्चे कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो। 1 सेकेंड में कैमरा ऑन करके जो है वो आप लोग बंद कर देते हो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस। मतलब और बहुत मतलब मेरा मन तो ये करता है कि मैं जो बच्चा कैमरा ऑन ना करे ना उसको क्लास से बाहर सेंड करूं। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों यूज टू हो आप कि ऐसे बैठ जाते हो बिल्कुल बंद करके। जैसे अब मुझे क्या मालूम बेटा आप लोग क्लास में हो भी कि यहाँ से सिर्फ ये रिकॉर्ड मतलब लेक्चर छोड़ के भाग गए हो। क्यों नहीं ऑन करते हो आप लोग कैमरा? हर्ष कामना तान्या क्यों नहीं ऑन है बच्चे आपका कैमरा? अच्छा भाई आपकी क्लास में से इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों क्लास लगा रही है, और स्पेशली बायो की क्लास में आप बहुत कम स्ट्रेंथ में आ रहे हो। आठ आठ बच्चे, नौ नौ बच्चे, और एक एक स्टूडेंट ने दो दो नाम से भी अपने आप को एनरोल करा रखा है। ठीक है बेटा, तो आप काइंडली क्लासेस में रेगुलर हो जाइए। 8 9 8 9 इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं, और जबकि 60 और 50 70 के नियर अबाउट स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो क्लास में रेगुलर आइए। हाँ जी दिया रानी लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था हमने? अब मैं आप लोगों से पूछूंगी। हरी अब जल्दी से अनम्यूट करो अपने आप को और कैमरा ऑन करो जल्दी से बच्चे। दिया अपने आप को अनम्यूट करो और जल्दी मुझे बताओ हमने कौन कौन से टिश्यूज पढ़े थे लास्ट टाइम? हमने कौन से टिश्यूज पढ़े थे हमने? हाँ नेटवर्क इशू है क्या आपके यहाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से आज। चलो हरमन क्या नाम है इसका? हरमन, हाँ जी हरमन अनम्यूट करो अपने आप को फिर दिखाओ। हाँ बेटा जल्दी से अनम्यूट करो और कैमरा भी अपना जो है ऑन करो। मुझे बताइए आप कि लास्ट टाइम हमने कौन से टिश्यूज पढ़े थे? एपिथीलियल टिश्यूज जो है हमने एनिमल टिश्यूज में स्टडी किए थे। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज? कौन कौन से बेटा?
जैसा भी आता आपको, आप बोलिए, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। कॉलमनार टिश्यू पहले आते हैं, सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज या स्क्वैमस टिश्यू बोलते हैं जिसको, ठीक है, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज, देन कॉलमनार टिश्यू टिश्यूज, क्यूबॉइडल टिश्यूज, और जो है सीलिएटेड, जो मतलब एपिथीलियम वर्ड यूज करोगे हर एक किसी के साथ। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। अब जो है हमने एक टाइप पढ़ ली है, दैट इज एपिथीलियल, मतलब जो ऊपर की लेयर पे प्रेजेंट है, सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। अब जो है हम नेक्स्ट टिश्यूज पढ़ेंगे, दैट इज कनेक्टिव, मतलब जो दूसरे को एक दूसरे से जोड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कनेक्टिव। ठीक है, तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कनेक्टिव टिश्यूज में, कि ये किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए जो है वो बताए गए हैं। तो कनेक्ट एंड वाइड वेरियस ऑर्गन इन दी बॉडी। कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज दे कनेक्ट एंड वाइड वेरियस ऑर्गन इन दी बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको पैक करने के लिए जो टिश्यूज काम में आते हैं, उनको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है इन टिश्यूज को जो है हम कॉमनली बोल देते हैं पैकिंग टिश्यूज। क्या नाम बोल देते हैं इनको? पैकिंग टिश्यूज भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यूज जो है दे आर दी कनेक्टिव टिश्यूज। कौन से टिश्यूज? जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो एनिमल में सबसे ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं, या जो है इसका काम क्या क्या है? तो काम, चलो पहले इसके जो है फंक्शन पढ़ लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है किस किस चीज में हेल्प करते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो टाइप्स और नेम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने बोली कि कनेक्टिव टिश्यू किस में हेल्प करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स को बाइंड करने में जो है हेल्प करते हैं, बाइंडिंग टिश्यू है, जोड़ने में हेल्प करते हैं। दिस इज दी फर्स्ट टिश्यूज, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोला है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। दूसरा काम क्या है इनपे कि कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है बोन्स, ठीक है, और कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? अपना ईयर, ईयर जो है, ठीक है, पिन्ना, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, इसको आप टच करके देखिए, ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल सा है। तो ऐसे वाले टिश्यूज जो है उनको कार्टिलेजनस टिश्यूज बोलते हैं, बोन सबको पता है। तो बोन का काम क्या काम है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरी स्टोरेज, तीसरा फंक्शन है स्टोरेज, ठीक है। तो जो हमारा फैट है, ठीक है, वो जिन टिश्यूज में स्टोर होके रहता है उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। तो एडिपोज टिश्यूज का क्या काम है? स्टोरेज करना, ठीक है, फैट को स्टोर करके रखना, इसमें आ जाएगा एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। दूसरी मैंने बोला, एक बोला हमने बाइंडिंग या कनेक्शंस, ठीक है, तो वो टेंडन और लिगामेंट्स आ जाते हैं, अटैचमेंट, अटैचमेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल है लिगामेंट और टेंडन। तो ये क्या है? दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, देन बोन्स जो है वो किसके साथ? मसल्स में जुड़ी, के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं अटैचमेंट। टेंडन और लिगामेंट्स हमने जो है आगे स्केलेटल टिश्यूज में जो है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका क्या काम है? पैकेजिंग करना। पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब, या पैकिंग करने में काम होता है, ठीक है। तो एरियोलर टिश्यूज जो है हमारे पास, ठीक है, एरियोलर, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज जो है वो किसमें काम आते हैं? वो पैकेजिंग के काम आते हैं। एरियोलर टिश्यूज किसमें काम आते हैं? पैकेजिंग में, मतलब हमारी बॉडी के पैकेजिंग में काम आते हैं। और इसके अलावा जो है और भी बहुत से फंक्शन है, रिपेयर करने के काम आते हैं, प्रोटेक्शन में काम आते हैं, बट मेन चीजें जो है ये तीन चार जो फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यूज, इट हेल्प्स इन दी बाइंडिंग द वेरियस ऑर्गन्स, सब इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बॉडी, ठीक है, एन ऑर्गन, एंड दी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन दी स्टोरेज ऑफ दी फैट। अटैचमेंट, टेंडन एंड लिगामेंट्स, दे प्रोवाइड दी बोन टू बोन अटैचमेंट एंड बोन टू मसल अटैचमेंट। पैकिंग, एरियोलर टिश्यूज जो है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज जिसको बोलते हैं, वो किसमें हेल्प करते हैं? पैकेजिंग के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज में से सबसे पहले जो है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज।
दिस इज द टाइप्स ऑफ करेंट कंडीशन. टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स कैसे आ गया? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिनका सिर्फ काम क्या है? जोड़ना. ठीक है, एक पहली टाइप ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा हो गया स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू तीसरा हो गया वस्कुलर और फ्लूड टिश्यू और फ्लूड टिश्यू. ठीक है, तो ब्रॉडली अगर हम बोलें तो टिश्यू तीन हिस्सों में बांटे हुए हैं. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिनका काम है जोड़ना, मेनली वो भी काम करते हैं. स्केलेटल टिश्यू नाम इनसे इंडिकेट हो जा रहा है, जो क्या करेंगे, स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी में, बोन्स से रिलेटेड जो सिस्टम आ जाएगा. ठीक है, तो वो स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू जो है, सीधे से आप इसको याद रख लीजिए, क्या है? बोन और दूसरा कार्टिलेज. कार्टिलेज कहाँ होती है? अपना नोज का हिस्सा देखिए. ठीक है, जो हम उसको प्रेस करते हैं, बोन का हिस्सा देखिए, तो ये क्या है? कार्टिलेज टिश्यूज. ठीक है, उसके अलावा जो है, और दूसरा वस्कुलर फ्लूड जिसको बोलते हैं लिक्विड, ये आपको याद रहेगा. हमारी बॉडी में जो लिक्विड कौन सा प्रेजेंट है? ब्लड है. ठीक है, और दूसरी चीज है लिम्फ. दूसरा हमारा लिम्फेटिक, एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है. तो दो तरह के जो है ये सिस्टम. ठीक है, इसके बाद जो है वो आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, फर्दर इन्होंने जो है वो टू टाइप्स में जो है वो बांट दिया गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, और जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए. ठीक है, एक आ जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब आ जाएगा लूज से मतलब जो उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, वो लूजली अरेंज होंगे. डेंस का मतलब जो बहुत जुड़े हुए होंगे. ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह में कर दिया, एक एरियोलर और दूसरा एडिपोज. एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू. ठीक है, और देन आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे, वो फर्दर है जो है, दैट इज लिगामेंट और लिगामेंट और टेंडन. ठीक है, अपना अपना कैमरा स्विच ऑन करो जल्दी से, मेरे को दिख भी नहीं रहा है कि आप लोग हो भी कि भाग गए हुए हो. ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मेनली इस चीज को जो है बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. कई बार आपको सिर्फ ये पूछा जाता है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, गिव इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में इतना भी बना देते हो. ठीक है, इतना मतलब आप पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करते हो, इतना भी बना देते हो तब भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है, कोई बड़ा ज्यादा कोई काटेगा, एक आधा मार्क्स काट लेगा. तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए. तो कनेक्टिव टिश्यू जो है मेजरली तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है, उसके बाद जो है स्केलेटल टिश्यू और तीसरा है वास्कुलर टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू मतलब आप इतने ढीठ किस्म के बच्चे बोलने के बावजूद भी कैमरा जो है वो ऑन नहीं करते हो. ठीक है ना, और फिर से चैटिंग शुरू हो गई, आपको मना कर रखा है. दिया, ओके. खुशी, दुष्यंत, जल्दी से अपना जो है ना कैमरा ऑन करो और मुझे बताओ कि वॉइस आपको आ रही है कि नहीं आ रही है. हरी अप, खुशी, नाइन्थ एवन, खुशी, दुष्यंत, बोलना पड़ेगा बार बार बच्चे. हाँ जी, आपको आ रही है क्या नाम है खुशी को, इसको आ रही है क्या नाम है जिया को, आपको आ रही है बेटा? दिया, आपकी तरफ ना नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा, इट बी माइट बी प्रॉब्लम एट योर प्लेस, क्योंकि आप जब
अपना नेट ऑन कर कैमरा ऑन करके बैठे थे, तो मुझे बहुत अनस्टेबल कनेक्शन दिख रहा था आपका। क्या कह रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू जो है ये नाम से इंडिकेट हो जा रहा है, तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि स्केलेटन सिस्टम में हेल्प करते हैं बॉडी को जो है सपोर्ट देने में, एक शेप देने में। तो आपको पता है बोन सबसे मेजर रोल प्ले करेंगी और दूसरा जो है कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरीके से वास्कुलर फ्लूड टिश्यूज जो है, तो या फिर वास्कुलर नहीं याद रहता तो सीधा फ्लूड टिश्यू इसको लर्न रख लीजिएगा। तो ब्लड, फ्लूड का मतलब होता है जो लिक्विड चीज, तो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लूड है। इसके अलावा लिम्फ जो है फ्लूड है, तो दिस इज दी ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी तरफ जो है ये याद रखना आपको ज्यादा मतलब थोड़ा सा अलग है क्योंकि नाम से इंडिकेट मुबारक। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है दो हिस्सों में बांट दी, इसमें एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें जो है उसके सेल्स फाइबर लूजली प्रेजेंट होंगे, और दूसरा जो बता दिए डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, जो मतलब क्राउडेड, ठीक है। तो वो आसपास जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसको लूज को दो में बांट दिया है, एरियोलर टिश्यूज और दूसरे को बांट दिया है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू को रट लो, हमेशा याद रख लो कि एडिपोज टिश्यूज मतलब फैट से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड आ जाएगा, फैट से रिलेटेड जो है वो प्रेजेंट होंगे। एरियोलर टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिलो दी स्किन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली बिलो दी स्किन में प्रेजेंट होंगे, या जो है टेस्टीज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या किडनी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और मसल्स में जो है बंडल्स में। तो ये इतना है इसके बारे में। अब मैं इसको जो है हम जो है कनेक्टिव टिश्यूज में इस पोर्शन टिश्यू बाकियों को कल करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज पे आ जाते हैं। तो बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यूज में 3 चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक होते हैं फाइबर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं जो सेल्स, और तीसरी जो होती है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जो 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 स्पेस जिसमें ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होगी। तो कनेक्टिव टिश्यूज में 3 टाइप्स जो है, कनेक्टिव टिश्यूज जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। वाई इसमें जो फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ पहले समझाने के लिए है। व्हाइट कलर के फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोलेजन फाइबर, ये थिक होते हैं। थिक होंगे तो मतलब स्टिफ होंगे, ठीक है। दूसरे फाइबर्स जो होते हैं वो येलो कलर के फाइबर होते हैं, उनको इलास्टिन बोलते हैं, इलास्टिन फाइबर्स। येलो कलर के फाइबर ये थिन होते हैं, और कैसे होंगे, थिन है तो जो है वो क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। और तीसरे जो आ जाते हैं दे आर दी रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में पहले तो बोला ये चीजें प्रेजेंट होंगी, व्हाइट कोलेजन फाइबर हो सकते हैं, येलो येलो जो है इलास्टिन फाइबर हो सकते हैं, या फिर रेटिकुलर फाइबर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें और क्या प्रेजेंट हो सकता है, बोल रहा है इसमें जो है वो सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सेल्स का क्या नाम है, फाइबर्स हैं अगर तो उनको बोल देते हैं फाइब्रोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल है। किसको नहीं आ रही मेरी वॉइस, फाइब्रोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेस या मैक्रोफाजिस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, और मास्ट सेल, मास्ट सेल्स, ठीक है। और यहाँ क्या बोला था हमने, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, येलो इलास्टिन फाइबर, थर्ड रेटिकुलर, रेटिकुलर फाइबर,
5 ईयर्स, ठीक है। तो कि कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसमें क्या, किस चीज को हम बोल रहे हैं कि लूजली पैक होंगे या कंडेंसली पैक होंगे, तो उसको हम कह रहे हैं कि जो है उसमें 3 चीजें हो सकती हैं। या तो फाइबर मतलब धागे की तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है उसमें जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको बोल देते हैं हम मैट्रिक्स। तो या तो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये 3 चीजें जो है प्रेजेंट होती है। अब बोला फाइबर कितनी तरह के होते हैं बोल रहा है, तो फाइबर जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। या तो सफेद रंग के थिक फाइबर जिनको कोलेजन फाइबर बोल देते हैं, या फिर पीले कलर के फाइबर जो है वो थिन होंगे, इलास्टिक होंगे, उनको जो है इलास्टिन फाइबर बोल देते हैं। या फिर तीसरे जो इधर उधर फैले होंगे रेटिकुलर फाइबर बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के फाइबर, और इसके अलावा क्या बोल रहा है, बोल रहा है और सेल हो सकते हैं। और जो है तीसरी दूसरी चीज क्या होगी, सेल। सेल 4 तरह के होंगे, फाइब्रोसाइट्स, दूसरा हिस्टोसाइट्स, तीसरा मैक्रोफेसेस और चौथा मास्ट सेल। 4 तरह के सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब जो है जल्दी से पहले मुझे बताओ, इतना आप लोगों को पता लगा, नेहा अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्विच ऑन योर कैमरा। नेहा, नेहा मैंने आपको हाईलाइट कर, हाँ जी अपना कैमरा भी ऑन करो बेटा, कैमरा भी ऑन करो बेटा, कैमरा भी ऑन करो बेटा। आता है ना नीचे, देखो आप अपना जो ऑप्शंस में जाके देखो, साफ पता है ना आपको कैसे कैमरा ऑन करते हैं। नेहा आर यू लिसनिंग बच्चे, नेहा हाँ जी। आप मुझे बताइए कि ये जो हमने बोला किसी भी कोलेजन फाइबर में 3 चीजें बोली हमने, ठीक है, हमने बोला कि या तो फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, या उसमें सेल चांस जिसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए वो फ्लोर या वो चटाई सी मान लीजिए जिसपे आपने चीजें फैला के रखी हो, ठीक है। तो अब बताइए फाइबर्स के नाम बताइए, फाइबर कौन कौन से फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कितनी तरह के फाइबर हो सकते हैं, नाम बोलो बेटा। व्हाइट जो फाइबर होते हैं उनका नाम पता है आपको, क्या बोलते हैं उनको, व्हाइट कोलेजन फाइबर। क्या नाम रखोगे, कोलगेट से याद रखना, कोलेजन फाइबर, क्या नाम है उनका, व्हाइट। हाँ व्हाइट कैसे याद रखोगे, दांत कोलगेट करते हो दांत चमक जाते हैं ना, तो व्हाइट कोलेजन फाइबर। और येलो इलास्टिन फाइबर, येलो फाइबर का क्या नाम है, इलास्टिन, येलो थिन इलास्टिन फाइबर। और तीसरे तीसरे फाइबर को रेटिकुलर फाइबर, वेरी गुड, ठीक है। अब संजीव अपने आप को अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके जल्दी से आओ सामने, हरी अप संजीव बेटा, जल्दी जल्दी करना। हाँ जी, अब मुझे बताइए कि जो हमने सेल्स बोले वो कितनी तरह के सेल्स होंगे इसमें, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है नाम बोलिए, फाइबर, फाइबर, फाइबर से नाम याद रखना, फाइब्रोसाइट्स बोलो, हाँ दोबारा से सुनो कैसे प्रनाउंस करना है, फाइबर से याद करना फाइब्रोसाइट्स, हिस्टोलॉजी से हिस्टोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस मतलब ऐसे सेल्स जो फाजिस वर्ड किसके लिए यूज किया था, जैसे फेगोसाइट्स तो सॉलिड चीजों को जो खा लेते हैं, और मास्ट सेल, 4 तरह के सेल्स। तो ये 3 चीजें जब सेल्स में किसी में भी जो है प्रेजेंट होंगी उसके बेस पे हम उनको जो है एरियोलर और कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। ये 3 चीजें सभी को पता चल गई ना बेटा, हाँ ठीक है। फिर अब आगे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज दी एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जो एरियोलर टिश्यूज हैं और जो एडिपोज टिश्यूज हैं उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So, आप याद रखिए कि सब इन सब में क्या प्रेजेंट होगी, ये 3 चीजें जो है वो प्रेजेंट होगी। तो पहले हम ले लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज 2 तरह के हैं, पहला एरियोलर टिश्यू, दूसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज जो है
वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे प्रेजेंट बिलो दी स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे, किडनी में प्रेजेंट हो सकते हैं, टेस्टिस में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर मसल्स को, जो मसल बंडल्स जो हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। कौन से वाले? एरियोलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमने बोला कि इसमें जो है जो सेल्स, हम इसका डायग्रामेटिकली देखते हैं तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसमें प्रेजेंट होंगे स्टार शेप सेल्स, जिनको बोल देते हैं इस तरीके के फाइब्रो ब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होंगे? फाइब्रो ब्लास्ट, ठीक है? स्टार शेप जो है वो फाइब्रो ब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है? एक चीज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, दैट सिक्रीट्स दी फाइबर। उनका काम क्या है? वो फाइबर को सिक्रीट करते हैं, ठीक है? दूसरी चीज इसमें क्या प्रेजेंट हो सकती है? हिस्ट हैं जो एंगल्फ करते रहते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, ठीक है? इसके अलावा जो है इरेगुलर, इरेगुलर मतलब यहाँ वहां बड़े मास्ट सेल दिख जाएंगे, ठीक है? यहाँ वहां बड़े हुए क्या दिख जाएंगे? मास्ट सेल, ठीक है? और फाइबर बोले थे हमने कि फाइबर प्रेजेंट होती हैं, तो हमने क्या बोला, थिक कौन से फाइबर होंगे? जो है थिक व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो दो तरह के फाइबर बनाओगे, एक मोटे मोटे बना दीजिएगा, ठीक है? तो वो क्या आ जाएंगे? कोलेजन फाइबर, ठीक है? क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर्स, ठीक है? ये जो है दो तीन जगह बना दीजिएगा, ठीक है? तो ये मोटे मोटे से जो फाइबर्स हम जिसको दिखा रहे हैं ये कोलेजन फाइबर है। इसके अलावा इसमें दैट इज नोन एज द इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन, ठीक है? और सेल में से हमने बोला था कि एक तरह का सेल मैक्रोफेजेस है, ठीक है? तो ये जो है दिस इज मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाज बोल लीजिए या फेज बोल लीजिए, ठीक है? मैक्रोफेजेस, ठीक है? इसके अलावा हमने बता दिया कि इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, ये जो है दे आर कॉल्ड, साथ में इसमें फैट टिश्यूज जो है या फैट सेल, बड़े बड़े से सेल दिखा दीजिएगा, फैट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और मैंने क्या बोला था कि रेटिकुलर सेल्स, ठीक है? तो ये क्या हो गए? रेटिकुलर सेल्स, ठीक है? और ये सारा जो बीच में, इसको एक रंग से कलर कर देना, तो ये जितना भी सब्सटेंस है ये मैट्रिक्स हो जाएगी, जिसके अंदर ये सारी टिश्यूज में हमने क्या बोला कि एरियोलर टिश्यूज में हमारे पास कौन से सेल प्रेजेंट है? स्टार शेप जो है फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं? वो फाइब्रिन्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा इररेगुलर जगह पे इधर उधर ये जो सेल्स बना रखे हैं मास्ट सेल्स, ठीक है? मास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इनका क्या काम है? मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है? ये जो है या हेपरिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरी तरह की चीज क्या हमने बोली कि इसमें फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कौन से? व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट है इसमें, बट क्या बोल रहे हैं हम, लूजली पैक्ड है, मतलब इधर उधर फैली हुई है, कंडेंसली पैक नहीं है। तो ये एरियोलर टिश्यूज का जो आपको जो है डायग्रामेटिकली हमने बता दिया। अब काम क्या है इसका? बाइंड करना, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यूज में हर किसी में आप लिख सकते हो बाइंड करना या कनेक्ट करना। तो ये बाइंड करती है, तो पहला वर्ड जो है इसका, इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन, ठीक है? तो पहला काम, पहला जो एक जो काम है, फंक्शन है इसका, दैट इज बाइंडिंग। दूसरा जो है ये बोल रहे हैं इट हेल्प्स इन इंजरी, या इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज ड्यूरिंग इंजरी, हेल्प इन रिपेयर। ये जो मैंने हेपरिन वर्ड बोला ना, ठीक है? तो जैसे हमारा ब्लड, हाथ कट जाता है, ठीक है? वो कट लग जाता है, ठीक है? तो वहां पर जो है अपने आप छोटा मोटा अगर कट लगा है तो कुछ टाइम बाद अपने आप ब्लीडिंग रुक जाती है, स्कम सा बन जाता है। तो ये फाइबर्स जो है वहां पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या बोला, दूसरा पार्ट क्या है इसका, कि इंजरी जब भी होगी तो जो टिश्यूज जो है बॉडी टिश्यूज उनको रिपेयर करने के काम आता है, ठीक है? तीसरी चीज हमने बोली थी हिस्टोसाइट्स जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है, ये या जिसको आप ये मैक्रोफेजेस वगैरह ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, जो जब भी इन्फेक्शन होगा तो फॉरेन सब्सटेंस जो भी बॉडी में एंटर करेगा उसको खा जाता है, एंगल कर लेता है। और ये अब आपने सुना है मास्ट सेल,
ठीक है, मास्क सेल्स जो है वो किससे एसोसिएट करते हैं, दे एसोसिएट विद दी एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज क्या होती है, कई बार आप लोगों ने देखा है कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है, कि डस्ट की जगह अगर हो तो उनको बहुत खांसी आती है। ये कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे थ्रशिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, गेहूं कट रही है, ठीक है, तो उन लोगों को उस टाइम जो है बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। या कई कई बार कोई चीज आपने टच कर ली तो आपकी स्किन पे रेड से रैशेस आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो सारे एलर्जिक है। तो एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें मास्क सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन जो है, दूसरा क्या बोल दिया हमने, मास्ट सेल। ठीक है, तो अब मुझे इतना बता दीजिए जल्दी से कि ये चीज जो है आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। द हु इज दिस खुशी हु इज ऑन दी मेन स्क्रीन, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा जल्दी से और कैमरा ऑन करो बच्चे। खुशी, खुशी बेटा, आर यू लिसनिंग? खुशी सुनाई दे रहा है, अनम्यूट करो अपने आप को, कैमरा ऑन करो जल्दी से, कैमरा ऑन करिए जल्दी से अपन। खुशी कैमरा ऑन करो बेटा। तो तुम लोग बेटा बात तो मानते नहीं, मतलब आप लोगों के लिए सिंगल साइड स्टडी चलती रहे, टीचर रहे और आपसे कुछ पूछे, है ना? क्योंकि पूछेंगे तो मतलब खुशी से पूछा तो बगल वाला पहले ही सोच लेता है। हिमांशु, हिमांशु स्विच ऑन योर कैमरा। अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। हिमांशु भाग गया, मैं इसको मैं डिलीट करके जाऊंगी तुम लोगों को अगर क्लास में नहीं आना है तो। खुशी, हाँ जी, आप मुझे ये बताइए जो मुझे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ाए, आपको समझ आए कि नहीं समझ आए? एरियोलर टिश्यूज में क्या क्या चीजें बताई, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टार शेप कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार शेप सेल्स, क्या नाम है स्टार शेप? फाइब्रोब्लास्ट। आपके पीछे बहुत आवाज आ रही, कहाँ बैठे हो? नेटवर्क इशू नहीं है, दूसरी साइड क्लास चल रही है। तानिया, तानिया खुशी, आप अपने आप को म्यूट करो। खुशी म्यूट करो बेटा, आपके यहाँ से बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। खुशी, अनम्यूट म्यूट करो, हाँ जी। उसके बाद तान्या, आप अपने आप को अनम्यूट करिए जल्दी से बेटा। तान्या अनम्यूट योर सेल्फ। तान्या, हु इज तान्या? अनम्यूट का मतलब समझ आता है? हाँ, भाग लो बेटा भागो। अब मैं तुम्हारे को नाम डिलीट करूंगी यहाँ से ना, क्लासेस में से अगर नहीं आना है तो फिर भागो। मतलब ऐसे बच्चे हैं कि इनसे क्वेश्चन पूछिए तो ये क्लास छोड़ के भागना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उसमें बोला कि देयर आर फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कौन से सेल होते हैं? स्टार शेप सेल होते हैं, जो क्या सिक्रीट करते हैं, फाइबर सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा से व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे। मास्क सेल जो है जो एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, और जो है फैट सेल या मैक्रोफेजेस वो भी प्रेजेंट होंगे। तो एरियोलर टिश्यूज का क्या काम है, टिश्यूज को बाइंड करना, जोड़ना आपस में। ठीक है, दूसरा काम इसका क्या है कि ये रिपेयर में, अगर जब भी इंजरी होगी तो इंजरी के बाद जो रिपेयरिंग है उसमें एरियोलर टिश्यू जो है वो हेल्प करता है, अगर आपको कोई कट लगता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या बोला गया है कि जो अमीबो अमीबा की तरह जो सेल्स होते हैं हिस्टोसाइट्स, अमीबोसाइट्स भी बोलते हैं उनको, वो जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर करेगा उसको क्या करेगा, एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे एरियोलर टिश्यूज। अब जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज, दे आर द एडिपोज टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज के दूसरी टाइप है, दैट इज द एडिपोज टिश्यूज। नेक्स्ट टिश्यूज आर एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज मैंने बोला था आपको कि ये फैट, ठीक है, फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं, क्या कारण है इनका, इट स्टोर दी फैट। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यूज जो है इसके अंदर जो है वो क्या क्या प्रेजेंट होता है,
इन सेल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ये पूछा जाता है कई बार आपको किसमें, वन वर्ड में, कि व्हाट आर दी सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यूज कॉल्ड, दे आर नोन एज दी एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, एडिपोसाइट्स। ठीक है, अब जो है इसमें जो है वो बहुत सारी एडिपोज टिश्यूज में क्या क्या, फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर, ये सारी ही सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो है, बट ये थोड़ा सा जो है आप कैसा बनाएंगे, इसमें जो है वो लूजली नहीं पैक होंगे, कंडेंसली पैक होंगे, फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, आप जगह जगह पर ऐसे सेल्स बना सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोलेजन फाइबर। ठीक है, और देन कोलेजन फाइबर्स, और ये बीच बीच में बस फैट, ये जो सेल्स फैट के सेल्स बनाते जाना है, एडिपोसाइट्स। ये क्या है, एडिपो साइट्स या फ्लैट ग्लोब्यूल्स, और इसके अलावा जो है ये व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, इलास्टिन फाइबर, पतले पतले जो है इलास्टिन फाइबर्स बना सकते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जो है ये फैट सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये क्या है, इनको क्या बोलेंगे, फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स जो है वो भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो काम क्या है इसका, स्टोरेज का काम है, इंसुलेशन का, हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तीन इसके फंक्शन याद रखिएगा, इसके पहला स्टोरेज, ठीक है, दूसरा कह लीजिएगा इंसुलेशन, इंसुलेशन, और तीसरा शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है कि जितने भी आपने देखे सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे हार्ट है, किडनी है, आई बॉल है, तो ये सॉफ्ट ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके आसपास बहुत सारी फैट की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ताकि अगर कभी इंजरी हो तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह, मतलब धक्का सहन करने के लिए जो है ये खड़े हो, तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। दूसरा स्टोरेज का काम करते हैं, फैट मतलब फैट का क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल को फैट स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ऐसा जो अगर मतलब आपकी बॉडी का फैट क्या है, जब आपने खाना नहीं खाया होता है तो क्या करता है, फैट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके बॉडी को क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, सेल्स को जो है वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो स्टोरेज के तरह काम करता है। और तीसरा इंसुलेशन का काम करता है, जिसकी बॉडी में जितना वो फैट होगा उनको, जैसे जो हेल्दी लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनको ठंड कम लगती है, पतले लोगों को ज्यादा ठंड लगती है, उनकी बॉडी में फैट नहीं है, इंसुलेशन का काम नहीं कर रहा, तो ये तीन फंक्शन है। सिमिलरली सिंपल है स्टोरेज, ठीक है, कि फैट क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। दूसरा इंसुलेशन, ये जो है क्या करता है, फैट फैट इट जो है इट एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर। ठीक है, और जैसे पोलर बियर है, ठीक है, तो पोलर बियर में बहुत सारा फैट होता है, तो वो सीवियर विंटर में वो फैट जो है उसका बॉडी का, तो उस फैट से उसको खाना मिलता है, जो बोलते हैं ना कि पोलर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, जो सर्दियां होती है तो सो जाता है, तब भी जिंदा तो रहता है, तो उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिलती है, तो उसका फैट जो है वो तोड़ तोड़ के जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। तीसरा बोला शॉक एब्जॉर्बर, तो जहां जहां सॉफ्ट ऑर्गन होंगे, जैसे किडनी है, हार्ट है, ठीक है, उसके आसपास जो है वो फैट प्रेजेंट होगा, ताकि उस सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सके। तो आई थिंक टुडे, मतलब आज के लिए जो है वो इतना काफी है, तो जो लूज कलेक्टिव टिश्यू जो है हमने, ठीक है, जो आपका एडिपोज टिश्यूज और एरियोलर टिश्यूज जो है वो कर लिए, वो इतना काफी है। कल जो है हम क्या करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें टेंडन और लिगामेंट पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़े टिश्यू, थोड़ा सा चैप्टर ये आपके लिए नया है, पिछले साल आप लोगों ने ऐसा कोई भी चीज नहीं पढ़ रखी, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये आपके लिए। आज के लिए इतना ही काफी है, आप सबके पास बुक्स हैं, अपनी बुक्स ओपन करिएगा घर में, और इस चीज को एक बार रिवाइज करके देखिएगा, लर्न करके देखिएगा कि क्या क्या इसमें है, रीड आउट करके देखिएगा। इज इट क्लियर? अभी सारे के सारे बच्चे जल्दी से अनम्यूट करो कैमरा और बताओ समझ आया नहीं समझ आया। संजीव, शर्मन, तन्वी, समझ आया है आज जो पढ़ाया आपको? बेटा, इस तरीके से जो तुम लोग अपने नाम के साथ यहाँ एंटर होते हैं ना,
तो अगर आप अपना कैमरा ऑन करके रखोगे तो हमें भी आपकी शक्लें जो है याद हो जाएंगी। अदरवाइज स्कूल में तो फिर मास्क के साथ मिलोगे, फिर नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन सा है। तो कम से कम टीचर की इस बात को मान लिया करो, यहां से कौन से कैमरा से मैं निकल के तुम्हें डंडे मार दूंगी। तो आपको अगर बोल रहे हैं कि बेटा कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, तो उस चीज को ऑन किया करो। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्यों कैमरे का इतना ज्यादा खौफ है, तब तो फिर मैं भी यहाँ पे कुछ चीज चिपका दूंगी और फिर बढ़ाया करूंगी। आप सभी को इतनी चीजें समझ आ गई कि नहीं समझ आई, से यस और नो? ठीक है, अब इतना इतना आपने पढ़ना है, जिसके नोट्स इनकम्प्लीट है सॉरी, वो सारे कंप्लीट करिए। ओके ओके ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, ठीक है? अपना ख्याल रखो, हाथ धोते रहो बार बार, और कहीं बाहर आओ जाओ मत।